उधर बालोद में बारिश नहीं होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। किसानों को फसल बर्बाद होने का डर सताने लगा है, तो प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए और अब सबकी नजरें टिकी हैं इंद्रदेव पर। खेत में बैठा ये किसान इंद्र देवता से बरसने की प्रार्थना कर रहा है ताकि वो सूखने की कगार पर पहुंच चुकी अपनी फसल को बचा सके। तस्वीरें बालोद की हैं, जहां बारिश नहीं होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। यहां के किसानों ने पहली ही बारिश में अपने खेतों में धान की बुआई तो कर दी, लेकिन अब जब धान को पानी की जरूरत पड़ी तो मानसून ने अपनी बेरुखी दिखा दी है। हमन एक छोटे किसान हरन, 15-20 दिन पहले जब पानी गिरी से ना, हमन धान बोई कट डरे हैं। अब धान भी उग गए हैं, छोटे छोटे हैं बाली, और धान पानी नहीं गिरा थे, पूरा धान सूखा थे, कर्जा वर्जा सब धान बुड़ाए हैं, समझ नहीं क्या किया जाए। बारिश का पानी नहीं मिलने की वजह से खेतों में दरारें पड़ने लगी हैं, जबकि धान की फसल सूखने की कगार पर पहुंच गई है। जिन किसानों ने कर्ज लेकर धान की बुआई की वो सबसे ज्यादा परेशान है। पानी गिनना नहीं गिनना भगवान के हाथ में है। धान तो हमारे ऐसे भी फसल खराबे होते है, जो बोर वाला है वही है, अपन धान के एक करा से थोड़ा बहुत, और हमारे मन का कुछ साधन नहीं है तो हमन कुछ नहीं कर सकते हैं। तांदुला जलाशय में पिछले साल की तुलना में कम पानी बचा हुआ है, ऐसे में किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया करवा पाना प्रशासन के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। 33% पानी हमको रिजर्व रखना पड़ता है पेयजल और निस्तारी के लिए, और आज की डेट में पानी 20% है, तो आगे आने वाले पानी पर ही पानी देने की व्यवस्था निर्भर रहेगी। जलाशयों में पानी कम हो चुका है, प्रशासन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। अब सबकी निगाहें सिर्फ इंद्र देवता पर टिकी हैं, और किसान बोल रहे हैं कि अब तो बरसों रे मेघा। बालोद से किशोर साहू के साथ टीम न्यूज स्टेट। छत्तीसगढ़ इस वक्त सूखे की कगार पर खड़ा है। 18 से ज्यादा जिले लगभग सूखे की चपेट में हैं। अगले 2-3 दिन में अगर बारिश नहीं होती तो किसानों की मुश्किल और बढ़ सकती है। विपक्ष जहां इस मसले पर सरकार पर हमलावर है, तो सरकार अभी कह रही है कि हालात नियंत्रण में हैं। देश के कई हिस्सों में लोग सावन की झमाझम बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में सूखे से धरती का कलेजा फटा जा रहा है। वहीं किसानों की भी चिंता बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ इस समय लगभग सूखे की कगार पर खड़ा है। छत्तीसगढ़ के 18 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। मॉनसून के रूठने से 50% खेतों में धान की बुआई नहीं हो पाई है। जहां धान की बुआई हो गई है वहां पौधे अब सूखने लगे हैं। करीब 9 जिलों में रुपाई का काम नहीं हो रहा है। दुर्ग, बेमेतरा और राजनांदगांव संवेदनशील जिले माने जा रहे हैं। वाटर लेवल नीचे जाने से बोरवेल फेल हो रहे हैं और सिंचाई में दिक्कत आ रही है। शुरुआती बारिश देख किसानों ने सोयाबीन लगाया, अब जमीन में दरारें पड़ने लगी हैं। कई इलाकों में पावर कट के चलते भी किसानों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। वहीं बिगड़ते हालात के बीच विपक्षी बीजेपी ने सरकार को निशाने पर लिया है। पूरे छत्तीसगढ़ में सूखे की छाया मंडरा रही है और किसान परेशान है, और सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है, परंतु सरकार ने जो मानसून सत्र होता है वो फसल के ऊपर में चर्चा के लिए ही होता है। सरकार ने चर्चा करना उचित नहीं समझा और एक वक्ता देकर तीसरी समझ ली। ये सरकार पूरी तरह अकर्मण्य है और सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। वो कर्जा माफी कर 2500 रुपए में धान खरीद कर सोच रही है कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया। आइए अभी एक नजर डालते हैं उन जिलों पर जहां अब तक कम बारिश हुई है। रायपुर में 232 मिलीमीटर बारिश के साथ 43% बारिश कम हुई। दुर्ग में 239 मिलीमीटर बारिश के साथ 40% बारिश कम हुई है। तो रायगढ़ में 304 मिलीमीटर बारिश के साथ 37% बारिश कम हुई है। वहीं बिलासपुर में 313 मिलीमीटर बारिश के साथ 26% बारिश कम हुई है। हालांकि कुछ जिले हैं जहां हालात बहुत तो बेहतर नहीं, लेकिन फिलहाल वक्त वहां अभी सामान्य बारिश ही हुई है। बस्तर में 471 मिलीमीटर बारिश के साथ 1% कम बारिश हुई है, जबकि बीजापुर में 458 मिलीमीटर बारिश के साथ 2% कम बारिश हुई है। दंतेवाड़ा में 246 मिलीमीटर बारिश के साथ 16% कम बारिश हुई है, जबकि गरियाबंद में 412 मिलीमीटर बारिश के साथ 1% कम बारिश हुई है। वहीं महासमुंद में 358 मिलीमीटर बारिश के साथ 12% कम बारिश हुई है। सुकमा में 421 मिलीमीटर बारिश के साथ 1% कम बारिश हुई है। तो वहीं धमतरी में लगभग 449 मिलीमीटर बारिश के साथ 12% अधिक बारिश हुई है। तो नारायणपुर में 456 मिलीमीटर बारिश के साथ 2% ज्यादा बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ में मौसम ही नहीं, सिस्टम भी मानो किसानों से रूठ गया है।
छत्तीसगढ़ में जो किसान डिफॉल्टर लिस्ट में डाले गए हैं उन्हें नया ऋण नहीं मिल रहा। कई किसानों को कर्ज माफी का सर्टिफिकेट नहीं मिला। जिन किसानों को सर्टिफिकेट नहीं मिला बैंक उन्हें लोन नहीं दे रहे हैं। सरकार की तरफ से बैंकों को पैसा नहीं देने से किसानों को कर्ज नहीं मिल रहा, लिहाजा कई किसान तो फिर से साहूकारों के जाल में फंस रहे हैं। एक तरफ किसानों की कमर टूट रही है तो दूसरी तरफ सरकार खुद को हर संकट से निपटने के लिए तैयार बता रही है। अब 3-4 दिन 5 दिन ऐसा इंतजार है, यदि बहुत अच्छा पानी गिर गया तो ठीक, नहीं तो सरकार की पूरी तैयारी है और सरकार अपने ढंग से ये पूरे मामले को निपटेगी। सरकार की क्या तैयारियां हैं इसका जवाब तो शायद भविष्य के गर्भ। छत्तीसगढ़ सूखे का प्रकोप झेल रहा है। बारिश नहीं होने से किसानों की आस टूटती जा रही है और आलम यह कि किसानों ने अपने खेतों को मवेशियों के लिए छोड़ दिया। रायपुर के सागरा गांव में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव। ये वो खेत है जिस खेत को 45 से 46 डिग्री सेल्सियस की तपती गर्मी में भी किसान धान उपजाता है और जब किसान की आस टूट जाती है तो ये नजारा देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये खेत है और रायपुर से लगा हुआ इलाका है साखरा का, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं। आप देख सकते हैं गायों को छोड़ दिया गया खेत चरने के लिए, कहीं ना कहीं बारिश नहीं हो रही है और आप ये देख सकते हैं ये वो नज़ारा है। पूरे खेत में दरार सी आ गई है, एक तरफ मानसून ब्रेक है तो दूसरी तरफ खेत क्रैक हो गया है। ये तमाम वो परिस्थितियाँ हैं जो साफ तौर पर सूखे की ओर इशारा कर रही हैं, भयंकर अकाल की ओर इशारा कर रही हैं। 73 तहसील इस वक्त सूखे की चपेट में हैं। फिलहाल सरकार निगाह बनाए रखने की बात कर रही है और उम्मीद सभी को है कि बारिश ज़रूर होगी, लेकिन अगर देरी होती है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए भयावह स्थिति हो सकती है। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो रक्षमंड के साथ साकरा से आदित्य नामदेव। और छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात को देखते हुए राज्य शासन ने तमाम अधिकारियों को जायजा लेने के लिए कहा है। अगर अगले 3 से 4 दिनों में पानी नहीं गिरा तो निश्चित रूप से स्थिति गंभीर हो जाएगी। सरकार किसानों की हर कठिनाई में उनके साथ है। वन आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी इस मामले में कहा है कि सरकार उनके साथ है और बहुत जल्द हालात बेहतर होने की उम्मीद उन्होंने जताई है। उधर छत्तीसगढ़ में सूखे के हालात को देखते हुए पूर्व कृषि मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। ब्रजमोहन अग्रवाल ने इस मुद्दे पर बात की हमारे सहयोगी आदित्य नामदेव ने। छत्तीसगढ़ में 73 तहसीलों में फिलहाल सूखे के हालात हैं और जब किसानों की आस टूटती है वो नजारा भी हमने देखा। मवेशियों को चराने के लिए किसानों ने अपने खेत में खुला छोड़ दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व कृषि मंत्री हैं। सरकार अभी भी कह रही स्थिति भयावह नहीं, और किस भयावह स्थिति का इंतजार किया जा रहा है? देखिए, विधानसभा सत्र में भी विपक्ष ने, हम लोगों ने लगातार इस मुद्दे को उठाया कि पूरे छत्तीसगढ़ में सूखे की छाया मंडरा रही है और किसान परेशान है और सरकार की कोई कार्य योजना नहीं है। परंतु सरकार ने जो मानसून सत्र होता है वो फसल के ऊपर में चर्चा के लिए ही होता है। सरकार ने चर्चा करना उचित नहीं समझा और एक वक्तव्य देकर तीसरी समझ ली। ये सरकार पूरी तरह अकर्मण्य है और सरकार को किसानों की कोई चिंता नहीं है। वो कर्जा माफ़ी कर 2500 रुपये में धान खरीद कर सोच रही है कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया, जबकि किसान हर साल कमाता है, हर साल खाता है और एक साल की फसल भी खराब होना किसानों की कमर को तोड़ देती है। तो सरकार की कोई भी कार्य योजना नहीं है कि वो सूखे से निपटने के लिए।
हम कि सरकार सूखे से निपटने के लिए कार्ययोजना बनाए और तेजी से काम करे, इस बात की मांग करते हैं। 11,000 करोड़ रुपए इनका कहना है कि कर्ज माफी में चले गया, 20,000 करोड़ का हमने धान खरीद लिया, लेकिन हम भी जानते हैं वो किसान को जितना पैसा मिलना था वो मिल चुका, लेकिन अगर ये फसल बर्बाद हो गई तो किसान फिर बर्बाद हो जाएगा। देखिए, ये बोलना आसान है, इन्होंने कोई किसानों के ऊपर में एहसान नहीं किया है, इन्होंने किसानों को ये वादा कर वोट लिया है और इसलिए 11,000 और 6,000 ये दे दिया, ये कोई एहसान नहीं है। परंतु आने वाले समय पर किसानों की फसल को बचाना और किसानों को होने वाले नुकसान की पूर्ति करना और किसानों की आर्थिक स्थिति को ठीक रखना, ये सरकार का दायित्व है। और सरकार को वर्ल्ड लेवल पर आने वाले सूखे का सामना करने के लिए, क्योंकि अभी ये स्थिति हो गई है कि आधे से ज़्यादा किसानों की फसल सूख गई है, बीज सूख गए हैं, रोपा नहीं लगा है, और किसानों को अपने खेतों में अब चरने के लिए जानवरों को छोड़ना पड़ रहा है। तो ये भयावह स्थिति का सामना करने के लिए सरकार को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, विधानसभा का विशेष सत्र बुलाना चाहिए और उस पर चर्चा कर कार्ययोजना बनानी चाहिए। बिल्कुल, किसानों के सहारे ही कांग्रेस सत्ता पर आई थी और बीजेपी की सत्ता से बाहर का रास्ता बीजेपी को देखना पड़ा था, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस किसानों की तरफ नहीं देख रही, निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए आने वाली स्थिति किसानों के लिए भयावह होती जा रही है। स्टेट के लिए वीडियो के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।